रुद्राक्ष मेरा है। इतने हजारों साल बाद आज ये मेरे लिए निकल आया है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसका असली हकदार मैं हूं। मैं हकदार नहीं, तुम चोर हो। ये हमारे इतिहास और संस्कृति की अमानत है। भूरिया या फाय वॉचमैन, इस आदमी को अंदर मत आने दो, और इसे भी। ये रुद्राक्ष, इट्स ब्यूटीफुल। वो मेरा है। मेरा है, मेरा है, वो मेरा है। यहां से शुरू होती है भूरी और रावण के रुद्राक्ष की अजीब दास्तान। रुद्राक्ष का लक्ष्य दुनिया में राक्षसों के राज्य को लौटाना, और उसके लिए जरूरी था भूरिया को एक जानवर जैसे इंसान की स्थिति से उठाकर महान राक्षस बनाना। कई साल गुजर गए इस काम में। आ!
करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ करना चाहते हो तो तलवार उठाओ, काट दो सालों को, चुन चुन के मार डालो सालों को, एक भी बचने ना पाए। बदला लेना चाहते हो, कुछ कर। अपने नए ज्ञान से भूरिया ने लाली की स्मृति को बदल दिया। उसकी याददाश्त से लंका का नामो निशान मिट गया और वो अपने आप को मुंबई के अंडरवर्ल्ड की एक सुपारी किलर मानने लगी। भूरिया रुद्राक्ष के ध्यान में खो गया। धीरे धीरे उसे नए मंत्र, नए तंत्र और नए षड्यंत्र मिलने लगे। आज शाम 5 बजे मिनरवा टावर्स लोखंडवाला, कंपनी का आदमी है, जरा होशियारी से, सुपारी 10,000 मंजूर। हेलो भूरिया, सुपारी मंजूर है? मंजूर है। कौन, लाली? ठीक है, फोटो भिजवा दूंगा। गवत का तो येल बाहर। ए, गाड़ी निकालो। ए, चीरुन टाकिन, हट कुत्रा साला। जा, ठोक दे। चल 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 चल, अरे घाल ना, अरे काय करतो, घाल ना त्याला। काय खरतरली काय तुझी? हां एक और नई बात सिखाई है, देखना चाहोगी?